इंश्योरेंस कंपनियों, शेयर मार्केट में करियर की राह तो आसान करती है। इसके अलावा सरकारी बैंक सिलेक्शन के समय उन उम्मीदवारों को वरीयता दे रहे हैं जो पीओ, क्लर्क, आरबीआई ऑफिसर के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं। यानी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीओ क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को एक साल तक बैंक में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर वो प्रोडक्टिव होता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे हैं, बैंक्स के पास कम्पेटिटिव एडवांटेज के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स पहले से ट्रेंड होके आए। इसीलिए बैंक्स प्रेफर करते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेंड है बैंकिंग ट्रेड में, उसको पीओ के इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। बैंकिंग सेक्टर जॉब के लिहाज से हमेशा से एवरग्रीन सेक्टर रहा है। इसके साथ ही महिलाएं टीचिंग के बाद बैंकिंग फील्ड जॉब को सबसे सिक्योर और सेफ मानती हैं। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर की ओर महिलाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एक तो ये गर्ल्स के लिए काफी सिक्योर जॉब हो जाती है, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छा स्कोप होता है गर्ल्स के लिए आगे आने वाले टाइम में। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप 12वीं पास हों, और अगर आप पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी है। इस कोर्स के अच्छे इंस्टीट्यूट्स और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप news24online.com पर जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स कोई भी जिसने 10+2 क्लियर किया है और उसके मिनिमम 45% मार्क्स हैं 12th क्लास में वो कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर में अपियर कर रहे हैं वो भी इसमें प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा, यानी कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग सेक्टर में ही होंगी। बैंक सेक्टर में वैकेंसीज का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के दिग्गज निजी बैंक ICICI ने 2010-11 में 7,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है। इसी तरह देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने साल 2010 में करीब 27,000 भर्तियां करने की योजना बनाई है। खबर यह भी है कि अगले साल तक तकरीबन 40,000 लोग अलग अलग बैंकों से रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ निजी बैंकों में भी इन तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से इनमें करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। यानी कि बैंकिंग फील्ड में नौकरी तलाशने वालों के लिए इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आप भी उठाइए बैंकिंग फील्ड में आए बूम का फायदा और पक्की कर लीजिए अपनी नौकरी। बैंकिंग फील्ड में नौकरी से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप news24online.com से जुड़ सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, News24।